नितिन हाँ कहा है? ए भाई यार, मैं बिजली से मिलने जाना हूँ यार। तो बस सुबह सुबह कुछ और काम रहे ना, तो दुनिया सुबह सुबह अपने काम मिलने देख रही है और तो सुबह सुबह अपनी सेटिंग बाजी दिखे है बस। भाई जब मैं रात में नींद नहीं आती तो सवेरा कौन सोएगा? अब मिलने चल फटाफट। मिलने के चक्कर में तो पिटका आएगा कि मम्मी सू, और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। मेरे मारे कैसे? तू ही जा रहा है घर, बेर बेर बता से बोटने। जब दो बेर चले गए तो तीसरी बेर जाना जरूरी है। तो भाई मेरी कहा गलती है? मेरा जी कर रहा हूँ मिलने को। गलती? घर तो जा ही रहा हूँ वाके, फिर वाके भैया मैं बजा रहा हूँ। पहले वाके घर तो चले जा रहे, अब बाकी मम्मी ने हमारी शिकार पहचान ली। अगर वाके घर के और धोरे भी गए ना तो बाकी मम्मी मारते मारते थूत को झोला बना देगी। भाई तू कुछ करना यार, अपने भाई को इतना न कर सकता तू। भाई बिजली का फोन आ रहा है, एक मिनट रुकियो। हेलो बिजली। हाँ बता, क्यों मिस कॉल मारे जा रहा है? अरे मिस कॉल ना ही, वो फुल कॉल ही। अब जब तू ना उठाएगी तो मिस कॉल ही दिखेगी। तो सफाई तो इतनी जल्दी देवे। चल अब बता कहाँ बात है। बताऊंगा तो लड़ेगी तो ना। बता पहले। लड़ेगी तो ना। चल ठीक है, ना लड़ू, अब बता। तो देखने के जी कर रहा हूँ, आ जाऊँ तेरे घर? हाँ आ जा, तू ही आ जा। जब मम्मी तो घेर घेर के मारेंगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अरे तू कदी तो मेरी साइड ले लेकर, जब देख अपनी मम्मी की तरह पीछे पड़ी रहे, ध्यान ना करती का मौसू? इरे मृदुल, मैं प्यार बहुत करूँ तो सू, लेकिन मम्मी अभी तो देखना पड़े। अरे मेरी जाने मन, अगर तू मेरी गैल हो ना, फिर तो मैं अपनी गली के कुत्तान से भी ना डरूं। हाँ ठीक है, पर अब घर मत आ जाइयो। इरे तो पता ना, मम्मी पापा की शकल भूल सके, लेकिन तुम दोनों की शकल कतई ना भूलने की है। तू आके दिक्कत मत ले, हमने अभी डिग्री ले रखी है प्लानिंग की। चल ठीक है, बाद में बात करूंगी। बाय। ओए सुन, ये फोन काटने से पहले मेरी बात सुन लेकर। कहा हुआ? आई लव यू कौन बोला गो? मैंने तू पहले भी समझाई, फोन करते और काटते दोनों टाइम आई लव यू बोले कर, पर समझ ही ना आती। ओहो, आई लव यू इतनी ऐठ में मत बोले, थोड़ा मीठा मीठा बोल, कतई चासनी सा। अच्छा ठीक है, आई लव यू। आए हाय मजा ही आ गया, ऐसा लग रहा रसगुल्ले ही खा लिया हो। नितिन भाई, नितिन भाई, भाई मेरी बात होगी, अब तू फटाफट जुगाड़ कर ले। कहे चीज का जुगाड़? बिजली के घर चलने को। अब मैं कहा बताऊं, तू बात समझता ना हो मेरी। यार अपने दिमाग में सेल्फ मार, स्टार्ट कर और फिर सोच कुछ बढ़िया सो। अरे भाई कैसे जाएंगे, बाकी मम्मी ने हमारी शिकल देख रखी है। शिकल? भाई शिकल कहा हुआ? भाई मेरे दिमाग में एक एयरटेल आया। एयरटेल? भाई सबके दिमाग में आइडिया हुआ है ना, मेरे दिमाग में एयरटेल आया। सुन, वाकी मम्मी ने हमारी शिकल देख रखी है, हम अपनी शिकल ही चेंज कर देंगे। आ तू मेरी गैल। आजा। भाई तेरे गोबर से दिमाग इतनी तेज कैसे चल रहा है? भाई मेरा दिमाग आजकल पप्पू की तनिया चल रहा। कौन पप्पू? अरे वही अपना राहुल। अच्छा। नितिन भाई हम जाते रहे, पर अपनी मूछ और दाढ़ी का थोड़ा ध्यान रखियो, कहिए पता ना चलनी चाहिए हम मृदुल और नितिन है। ठीक है भाई, बस तू बीच बीच मंत्र मंत्र मारते रहे जैसे लगे असली बाबा। पर भाई मुँह पे तो मंत्र आते ही नो है। अरे मंत्र में कहा है आ गए ओम और पीछे सुहा लगा दियो। और भाई मजा उठा दिए। अच्छा एक मंत्र बोल के दिखाइयो। यहाँ का ओम भट्ट स्वाहा। या मंत्र से तो मैं पूरे गांव में बता दूंगा। आ चल रहे तो बाबा बन जा बाबा। आज की मैं भिक्षाम दही, आज की मैं चूरे हो गया छोरा काले का। भिक्षाम दही भी पट्ठा चाहिए 16 साल का। तू भी आवाज लगा ले, तेरे ससुराल है। तो लगा लूंगा, ऐठ क्यों रहे हो? पैंट की शर्ट की जैकेट की चैन सही करा ले। मेरे बाबा हम तो चैन सही करने वाले नजर आ रहे हैं, चैन सही करा ले। बाबा गेटिंग कर। ठीक है भाई कर रहा हूँ। भिक्षाम दही है कोई यहाँ पर? आज द्वार पर बाबा पधारे हैं। पूरे दिन कोई ना कोई आता ही रहे। अरे यू कौन आ लिया? कौन हो आप? डिश टीवी वाले हैं, आपकी छतरी ठीक करने आए हैं। डिश टीवी? पर हमारा तो एंटीना लग रहा है। अरे मूर्ख दिख नहीं रहा क्या? हम बाबा हैं बाबा, और बाबा स्वयं ठेके से चल के आए हैं। ठेका? ठेका नहीं मूर्ख नारी, ठेकेदार है हम। सभी बाबाओं का ठेका लेते हैं, मतलब सबसे बिग बाबा हैं। बिग बाबा समझी? भाई मेरे तो समझ में ना आ रही, तुम बाबा हो या ठेकेदार हो? क्या हम तुम्हें इस भेष में मिस्त्री दिखाई देते हैं? हे औरत, बहुत देर हो गई तुम्हें हमारा उपवास करते करते। अंदर बुलाने की जगह बाबा से सवाल जवाब किया जा रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं बाबा महाज्ञानी है? मैं तुम्हें शराब देता हूँ। ना बाबा ना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बाबा। आओ अंदर पधारो आप।
तथास्तु। वैसे बाबा जी आपका नाम कहाँ है? हम अपना नाम खुद नहीं बताते, हमारे शिष्य पिंटोला दास बताएंगे कि हमारा नाम घंटोला दास है। तो बताइए शिष्य क्या नाम है हमारा? जी गुरु जी, सुनिए, हमारा नाम है पिंटोला दास और ये हमारे गुरु परम ज्ञानी घंटोला दास। अच्छा बाबा जी, अच्छा बाबा जी, लेकिन आपको तो पहली बार देखा मैंने अपने गाँव में। हमने खुद पहली बार देखा। मतलब बहुत पूछती हो आप, लगता है बहुत मतलब ही हो। मैं तो बस नहीं पूछ रही। बाबा जी इतनी देर से आए हुए हैं और तुम बाबा जी से सवाल जवाब करे जा रही हो, अभी तक हमसे किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा। अभी लाई बाबा जी, अभी लाई। अरे तो बहुत प्यास लग रही है। भाई यार प्यास ना लग रही, मैं सोच रहा हूँ बिजली आएगी पानी देने, पर ये तो खुद चलेगी यार। कोई बात है ना, रुक जाओ थोड़ी देर, बिजली भी आ जाएगी। बाबा जी लो पानी पियो पानी। बाबा जी बतासे लेके आऊं? बतासे रखे हैं। बतासे? साला मत खा यार, अपने वाले ही हैं। बाबा को मीठा नहीं पसंद। बहुत अच्छे बालक, हम प्रसन्न हुए। बाबा जी अब आप आई गए हो तो इतना आशीर्वाद बना के रखी हो कि घर में सब कुछ राजी खुशी रहे। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे बाबा घंटोला दास संपूर्ण ज्ञानी है, आपका भविष्य भी बता सकते हैं। अरे बाबा फिर तो मेरा हाथ देख के भी कुछ बता दो। अच्छा ठीक है, इतनी जिद कर रही हो तो देख लेते हैं, लाओ अपना हाथ दिखाओ। लो बाबा हाथ देखो, आप हाथ देखो। बाबा कुछ बताओ ना कहा हुआ। बाबा अभी आपका हाथ स्कैन कर रहे हैं, थोड़ी देर में रिजल्ट दे देंगे। क्या तुम्हारे पति दारू पी के आते हैं? ससुर जी दारू पीने लगे? चुप हो जाए, कैसे पोल खुलवाएगा? कौन सी पोल की बात कर रहे हो बाबा जी? अरे आपके पति दारू पीते हैं ना, तो ये बात सबको पता ना चल जाए, इसलिए पोल ना खोलने की बात कर रहे हैं बाबा जी। सही कहा बच्चे ने। अरे बाबा जी कहा बताऊं, मैं माने ही ना है। बाबा जी बस मेरी सास के बारे में देख के बताओ, कब मेरा पीछा छोड़ेगी वो? लगता है सास बहू में झगड़ा बना रहता है और सास छोटी बहू को ज्यादा प्यार करती है। हाँ बाबा जी एकदम सही कह रहे हो तुम, नौक में दम कर रखा हो बुढ़िया ने। बाबा जी और मेरे बालकन के बारे में देख के बताइए जरा। आपके बच्चों की वजह से ही तो बाबा आज आपके घर आए हैं। चुप बैठ जाओ कुत्ते। बाबा जी कुत्ते? ना जी ना, हम जब रास्ते में आ रहे थे तो बहुत सारे कुत्ते थे रास्ते में। वैसे आप कुछ अपने बच्चों के बारे में बात कर रही थी। हाँ बाबा जी मेरे लौंडा का ना रिजल्ट आने वाला है, तो अगर उसके बारे में कुछ बता दोगे ना तो बड़ी कृपा होगी, मैं अभी लड्डू बंटवा दूंगी। ये तो बाबा जी के बाएं पैर का काम है। चलो अपने बेटे को बुला लो, हम उसका भी भविष्य बता देंगे। बुला के लाऊं? अभी बुला के लाती हूं बाबा जी, अभी लाई। आरब भाई यार आंटी ने अपना अपनी सास को अपने लौंडा का सबको भविष्य दिखवा लियो यार, बिजली कद बुलाएंगी ये। चुप रह, आगे आगे आगे। मेरा जी बाबू जी ये मेरा बेटा, हमने अभी कुछ दिन पहले ही बजाया था इसमें से। क्या मतलब? दो दिन पहले इसकी किसी ने पिटाई कर दी थी। हाँ बाबा जी सही कह रहे हो तुम, यू काई सुबह पिट के आ जावे, यू तो यू या का बाप भी ऐसा ही है, पिटते डोले दोनों। बाबा जी इसका हाथ देख लो बस। इस दुष्ट की तो शकल देखने का मन नहीं करता हमारा, आप इसका हाथ देखने की बात करती हो। बाबा जी हाथ देख लो बस, हाथ ही देख लो, शकल मत देखो। ए चल उधर का ला लो, मैं देख ले। पढ़ाई में मन नहीं लगता बेटा तुम्हारा। हाँ बाबा जी एकदम सही कह रहे हो, पढ़ लिख लेकर देख बाबा जी, पता है बाबा जी। और बताओ पढ़ाई में तो मन नहीं लगता इसका, परंतु विद्यालय में बैठी सभी कन्याओं का पूरा ध्यान रखता है ये दुष्ट बालक। बुड्ढा होगा साथ ही में पढ़ा है, शर्म ना आ रही होगी। चल जा भीतर, अंदर जाके पढ़ाई कर। बाबा जी तो ऐसे ही है, मेरी एक लौंडिया और है हीरा जैसी, वाके भी हाथ देख के बता दो वाका भविष्य कैसा रहेगा। इसी बात का तो इंतजार था हमें। मतलब आपकी कन्या ही आपका भाग्य बदलेगी। बाबा जी अभी बुला के लाई। ओए अब तो बिजली आने वाली है, अगर तेने बिजली को हाथ छुआ मां कसम तो यही मारूंगा, तेने सबके हाथ देखे वाक हाथ तो मैं ही देखूंगा। अगर वाकी मम्मी ने वाक हाथ मेरा तो पकड़ा दी फिर क्या करूंगा? तू वाकी मम्मी से कह दियो लड़कियों का हाथ ये वाला बाबा अच्छा देखता है, और सुन वाकी मम्मी बिजली राखियो, वो बिजली से बात करनी है। आजा बेटा आजा। बाबा जी ये मेरी लौंडिया बिजली, इसका हाथ देख लो, हाथ दिखा बेटा हाथ दिखा। कन्याओं का हाथ ये वाले बाबा जी देखते हैं। लाओ आपका हाथ तो हम देख लेंगे। बिजली मैं हूँ, मैं मृदुल। बिजली,
बिजली तो फोन क्यों ना करती है? क्या कह रहे हो बाबा जी? फोन? हाँ जी फोन। फोन दिलाइए इस कन्या को। नहीं बाबा अभी तो ना दिलाया, सोच रहे हैं कि 10वीं पास कर लेगी जब ही दिला देंगे। तो अभी तक क्यों नहीं दिलाया? सारी कृपा वहीं अटकी हुई है। इसको फोन दिला दीजिए, आपके सारे काम बन जाएंगे। लेकिन बाबा जी फोन से इन सब चीजों का कहाँ मतलब? दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आजकल ग्रह नक्षत्र शुक्र शनि बिना फोन के ठीक नहीं रहते। ठीक है बाबा जी, आज शाम को ही आके पापा से कह के फोन मंगा दूंगी आपको। बढ़िया, अब थोड़ा समय दो हमें, हम इस कन्या का भविष्य देख रहे हैं। लाओ कन्या। जय हो बाबा जी की जय हो। बाबा जी बस इतना और बता दो कि मेरी ये लौंडिया का ब्याह कब और किस छोरे तक होएगा, वो तसल्ली मिल जाएगी बस। आपकी लड़की की शादी किसी एन नाम के लड़के से होगी और उसका पूरा नाम नितिन होगा। ऐसा कैसे हो जाएगा नितिन सू? मैं यहाँ कहा करने आया हूँ? बिजली का ब्याह सिर्फ एम नाम के लड़के से होएगा, जाका नाम होएगा मृदुल। अरे मेरे नाक के समारी अपनी ससुराल माँ का ऐसा कर दिखा रहा होएगा। अरे डाका पड़ क्या रे, मैं लुटकी भरे बाजार में। अच्छा तो ये है जो वादी नाए, मैं पहले ही सोच रही आ रहा हूँ। लेटिया लेके भारे को आइयो जरा बेटा। मारी ने साले। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving.